डियर स्टूडेंट्स, एक और सवाल देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है और इसको हमें विभाजन क्रिया से समझाना बताना है। अब ये सवाल पढ़ने से बच्चा घबरा जाएगा कि दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में तो खेल खत्म, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कुछ नहीं करना है, हमें निकालना है, इसको भाग देना है और हमें देखना है कि इसमें कितनी संख्या रिपीट होती है। तो हमें क्या करना है, 1/17 का भाग देना है। देखो, ये ध्यान से देखना पड़ा है, जीरो नहीं जा रहा है और दशमलव लगा है। दशमलव लगाते हमें एक जीरो फ्री मिलेगा, फिर भी 10/17 का भाग नहीं जाता था, फिर जीरो लगाओ, फिर ये जीरो आएगा। अब यहाँ बच्चा क्या कर जाता है, कंजूसी कर जाता है कि सर क्या फर्क पड़ता है, सर जीरो में फर्क पड़ता है। 17×5 = 85, 15 आया, चूँकि दशमलव लगा हुआ है, जीरो हमें फ्री में मिलेगा। अब 17 का पहाड़ा, सर आता नहीं, आएगा 17×8 = 136, शेषफल बचा 14, दशमलव लगा हुआ, जीरो उतरेगा, फिर अपने यहाँ यही थे 17×8 = 136, 4 दशमलव लगा हुआ, जीरो उतरेगा, 17×2 = 34, 6 0, 17×51 = 51, 9 0, 17×85 = 85, 5 0, खत्म ही नहीं हो रहा है। 17×2 = 34, 16, 17×9 = 153, 7 0, 17×4 = 68। बच्चा थक गया, अभी भी गाड़ी खत्म नहीं हो रही है। अब यहाँ मैं 2 से ला रहा हूँ, 17×4 आ गया, मैं वहाँ लिखूँगा 17 से भाग दे रहे हैं, तो 0 आएगा, तो 17×17 = 17, 3 0, 17×17 = 119, नहीं सॉरी, 17×17 = 17, 3 0 17 13, 130, 17×17 = 119, 110, 17×6 = 102, गाड़ी रुक ही नहीं रही है, 17×4 = 68, 12, 17×17 = 119 है, 1 0 फ्री मिला पर फिर भी नहीं गया, तो फिर जीरो आएगा, 0, अब गाड़ी बैठने लगी। भैया बैठने से पहले हमें तो उठा दिया दुनिया से, 17×85 = 85, अब हमारी गाड़ी, तो अब ये सवाल क्या कह रहा था कि पुनरावृत्ति खंड मतलब इतनी संख्याएं रिपीट होगी, तो इसका हमारा शेषफल क्या है, 0.0588823529417647, ये संख्याएं रिपीट होगी, मतलब इतनी संख्याएं। अब देखो, वापस यहां चालू हो गया, फिर 15 आता, तो इतनी संख्या हमें भाग देना पड़ा। भगवान करे ऐसा एग्जाम में पेपर का सवाल नहीं आए, नहीं तो सुबह हो जाएगी। अब यहाँ सिर्फ खेल था 17 का पहाड़ा। तो बेटा, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गणित अगर पढ़नी है, क्योंकि हम लोग जब ये क्षेत्रफल के और उसके सवाल करेंगे, तो उसमें भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि गुणा भाग नहीं होता हमसे। तो बेटा, ये गुणा भाग सीख लो, 20 तक के पहाड़े कंठस्थ होने चाहिए। अब देखो, मेरे को पहाड़े आते थे तो मैंने फटाफट कर दिया, आप तो क्या करते, 17×17 तो हमें पता ही नहीं, 17×17 = 17, 17×17 क्या होता है पता नहीं। तो बेटा याद रखें, ठीक है, तो हम सवाल एक एक सवाल करते जाएंगे और आप इसका से सीखें, ठीक है।